उस राजा के पास बहुत राजा ही था, तो उस गांव का पूरा साम्राज्य का मालिक था, उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति शोहरत था, और साथ ही साथ एक ऐसा शोहरत था, उनकी एक बेटी थी, बेटी बिटिया काफ़ी सुंदर थी, सुशील थी, और सुशील होने के कारण राजा का कहना हुआ था कि इस बिटिया की शादी करना है। तो इस बिटिया की शादी करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जगह लड़का को ढूंढे, लेकिन राजा के मनपसंद के लायक और बिटिया के मनपसंद के लायक वो लड़का नहीं मिल पा रहा। तो राजा ने एक बार अपना एक ऐलान निकाला, ऑफर जिसको बोलते हैं, आप लोगों के बीच भी ऑफर आता होगा, उसी प्रकार से राजा ने एक ऑफर निकाला, चैलेंज है ना। राजा ने ऑफर निकाला कि हम अपनी बिटिया का शादी वैसे लड़के से करेंगे, ठीक है, जिसके पीछे कुछ टर्म कंडीशन लगा हुआ था। तो उन्होंने क्या निकाला कि उस गांव में एक तालाब था, बहुत बड़ा तालाब, जानते हैं आप, तालाब बहुत बड़ा तालाब होता है, उसमें पानी रहता है लगा हुआ। तो जो व्यक्ति उस तालाब को पार कर जाएगा, यानी इस पार से उस पार कर जाएगा, वैसे ही व्यक्ति से होते मीडिया क्या करेंगे, क्या करेंगे, शादी करेंगे। शादी के नाम पर कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, है ना, तो शादी करेंगे। तो ये जब ऑफर को सुना, सभी लोग, जितने नवयुवक लोग, साथी लोग थे, ये बात सुन के जितने भी नौजवान लोग थे, वो सोचे कि बस इतना ही तो काम करना है कि नदी को क्या करना है, पार करना है, इस पार से उस पार कर जाना है, और राजा की बेटी से वो क्या कर लेना है, शादी कर लेना है। अब इतना आसान काम कौन नहीं कर सकता। आप लोगों को अगर कहा जाए कि इस तालाब को इस पार से उस पार करना, तो आप तो कर जाइएगा, शादी कर लीजिएगा बिटिया से उसकी। तो ये ऑफर सुनते ही पूरे जिला जवाहरात आस पास में जो है ना, हड़कंप मच गया, लोग काफी उत्साहित हो गए, कह रहे वाह क्या बात है, इतना छोटा सा ऑफर हम तो कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। और सबको रात भर, जितने भी मतलब नए जनरेशन वाले लोग थे, आप जैसे लोग थे, हम जैसे लोग थे, रात भर उसको नींद नहीं आई। यह क्या करना है कि सुबह एकदम सब उठ के, सुबह एकदम भोर में 3-4 बजे वहाँ पे पहुँच गया, एकदम सबसे आगे हम लाइन में खड़ा है, कहते कि आज तो पार कर ही जाना है, आज क्या कर जाना है, पार कर ही जाना। देखते देखते सुबह के दिन के 10 बज गए, वहाँ पे पूरे इलाका के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। अब सारे लोग तो पहुँच गए नदी के पास, तालाब के पास, जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, अब पार करने की बारी आती है, तो सारे लोग देखते हैं कि उस तालाब में क्या है, बड़ा बड़ा मछली है, बड़ा बड़ा मगरमच्छ है, बड़ा बड़ा बिच्छू है, बड़ा बड़ा सांप है, बड़ा बड़ा ककड़ा है। अब तो देख के सबका हाला हवा गुम, अब सब बोल रहा है कि राजा तो बोला था कि केवल तालाब को पार करना, लेकिन सब बताया था नहीं कि इसमें इतना बड़ा बड़ा मछली है, मगरमच्छ है, बिच्छू है, कैसे पार करेंगे। सबका हालत खराब है, सब आपस में विचार कर रहा था, राजा को उल्ट पटांग बोल रहा था कि राजा ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि सांप है, बिच्छू है, मगरमच्छ है, नहीं तो हम लोग नहीं आते। इतना ही बात चल रहा था कि तब तक उधर से एक आवाज आता है, छपा छपा, समझ रहे हैं, पता चल रहा है कि इसमें कोई एक आदमी कुदूक गया है, और कुदूक जाने के बाद सब लोग का ध्यान उधर जा रहा है, और वो ऐसा पतला लिखलिख था कि जैसे ही नदी में कुदका और बस 20 सेकंड के अंदर इस पार से उस पार चला गया, एकदम पतला सा लिखलिख सा, देह में सही में जान नहीं था, ठीक है, और उतना बड़ा बड़ा मगरमच्छ से एकदम भागते हुए उस पार निकल गया। अब जैसे ही उस पार उतरा निकला, तो उसके लिए एकदम डीजे एंड बैंड बाजा जितना भी था एकदम व्यवस्था किया हुआ था, अच्छे तरीके से सब लोग वहाँ पर पहुँचा, और उसको जो है ना शाबाशी दिया कि तुम कर्मवीर हो, तुम योद्धा हो, तुम महान हो, अब तो तुम्हारा शादी जो है ना राजा की बेटी से होगा। अब उसको सब कंधे को उठा के, घोड़ा को बैठा के, बैंड बाजा के साथ जो है ना भोजपुरी गाना बजा के जो है ना मतलब तुम्हारिया करे लम पलम बजा के और ले जा जाए। अब वहाँ पर पहुँचाया राजा के पास, अब राजा के पास गया, राजा के पास जैसे ही गया, राजा उसको गले से लगाया, और गले से लगा के तब तक इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिस लड़का को ले जाया गया तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है।
उसको पता भी नहीं था हो क्या रहा है। जैसे ही राजा के पास ले गया, राजा अपना उसको गले में लगाया, अरे तुम ही हमारे पति के बेटी के दामाद हो, तुम तो कर्मवीर हो, तुम योद्धा हो, लाओ उसको माला पहनाओ, ये करो वो करो, चलो आओ हमारे गद्दी पे सिंहासन बैठो। तभी तक होता है हट, चलो हमको समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कर क्या रहे हो, सबसे पहले तुम ये बताओ कि साला वो ढकला कौन था उस पति में, सबसे पहले ये बताओ कि ढकला कौन दिया था उस तालाब में, हमको समझ में नहीं, हमको तेरी बेटी से शादी नहीं करना है, तुम्हारा धन संपत्ति नहीं लड़ना है, हमको सबसे पहले सलाह बताओ कि वो पानी में ढक्का कौन दिया था। तो कहानी से समझ में आ गया होगा आपको कि आज के मीटिंग में आप लोग को भी अगर कोई व्यक्ति लाए हैं ढक्का दे दिए हैं तो नदी को तालाब को पार कर जाइए, और पार करने के बाद वो सुख सुविधा आजादी सपनों यहाँ भी पूरा होने वाला है जो आम जिंदगी में लोगों का पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं इसी कहानी के बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ।